मुद्रा कथन इसमें मुद्राओं का वर्णन है, इसमें मुद्राओं का वर्णन है। महामुद्रा नभो मुद्रा उड्यानम जालंधरम मूलबंद महाबंद महावेद खेचरी विपरीत करी योनि वज्रोली शक्ति चालिनी ताड़ागी मांडवी सांभवी पंचधारणा अश्विनी पासिनी काकी मातंगी च भुजंगिनी पंचविंशति मुद्राणि सिद्धानि योगिनाम। कुल 25 मुद्राएं की इन्होंने कहा है, कितनी? पंचविंशति। तो 25 मुद्राओं का वर्णन है, 25 मुद्राओं का, जिनमें पांच धारणाएं हैं। पांच क्या है? धारणाएं, ये ध्यान रखना है। कुल 25, तो विशुद्ध मुद्राएं 20 मुद्राएं हो गई, लेकिन चूंकि मुद्रा कथन में टोटल मुद्राओं की संख्या 25, पांच धारणाएं हैं, पांच धारणाएं हैं। इसको इन्होंने भगवान शिव और माँ पार्वती के संवाद के मध्य से कहा, हे देवी तुम्हारे सामने मैंने मुद्राओं के समूह का कथन किया है, जिनके जानने मात्र से सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जितने प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखनी चाहिए, तो ये मुद्राओं का समूह योगियों को आनंद देता है, आनंद देता है। अब महर्षि गहरंड मुद्राओं का कथन राजा चंड कापाली के लिए करते हैं, जिसका वर्णन करते हुए महामुद्रा का सबसे पहले वर्णन करते हैं। तो महामुद्रा पूर्ण प्रयत्न करके बाएं एडी पर गुदा मार्ग को दबाकर दाएं पैर को फैलाकर डंडे के समान उसके पैर के अंगूठे को पकड़ ले और कंठ सिकोड़ कर अर्थात जलंधर बंद लगाकर दृष्टि को दोनों भौं के मध्य में रखें, भ्रू मध्य में रखें। विद्वानों ने उस मुद्रा को महामुद्रा कहा है। क्या कहा है? महामुद्रा। यहाँ लाभ अवश्य स्मरण रखना है और दोनों को मिला के लाभ रखना है, इसका और हट प्रतिपिका का लाभ दोनों के स्मरण रहने चाहिए। तो बस ये हो जाएगी तो 15 मुद्रा इसमें एक्स्ट्रा है। तो अब लाभ बोल रहे हैं कि महामुद्रा क्षय रोग, ठीक है, टीबी रोग को, खांसी को, उदावर्त रोग, पेट के रोग को, ठीक है, तत्पश्चात प्लीहा स्प्लीन के रोग को, जीर्ण ज्वर पुराना ज्वर बुखार उसको नाश करता है, सर्व रोगांश महामुद्रा थी, और सभी रोगों को नाश करता है। ठीक है, तो महामुद्रा के सेवन से टीबी, खांसी, अस्थमा, पेट की बीमारी, स्प्लीन की बीमारी, पुराना बुखार, इतना लंबा समय का बुखार, इन सबको ये क्या करता है? नाश, और सभी रोगों का भी नाश करती है महामुद्रा। महामुद्रा जैसे दूसरे नंबर पे नभो मुद्रा, नव आकाश का नाम है, नव आकाश को कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो योग की साधना करने वाले सभी समय में अथवा किसी भी कार्यों में लगे रहने पर भी जहां कहीं भी विद्यमान हो स्थिर और एकाग्र होकर सभी काल में जीव को ऊपर करके प्राण वायु को रोकें, ये सभी रोगों को नष्ट करने वाली योगियों की नभो मुद्रा है। जीव को उल्टा जिसका खेचरी मुद्रा में करते हैं, ठीक इसी प्रकार सब काम करते हुए जीव को उल्टा करते हुए प्राण वायु का इन्होंने निरोध करने को बोला है, क्योंकि व्योम रंध्र होता है, तो व्योम रंध्र के कारण इसका नाम नभ रख लिया गया है। जीवा को उल्टा ले जाना जो खेचरी में व्योम रंध्र में ले जाते हैं, इसी प्रकार प्राणों का निरोध करने को इन्होंने नभो मुद्रा है बोला, कभी भी कर सकते हैं। तो कौन सी मुद्रा कभी भी कर सकते हैं प्रश्न आए, तो उत्तर नभो मुद्रा, ये स्मरण रखना है, नभो मुद्रा स्मरण रखना है। तीसरा उड्यान बंद, पेट में नाभि के ऊपर पीछे की ओर ताने, ये जो उड्यान बंद है प्राणों को ऊर्ध्वगामी करता है, और ये उड्यान बंद मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह है, शेर है, ये हट प्रदीपिका में भी आया है, हट प्रदीपिका में भी आया है। कुल मिला के पेट को कमर पीठ के सटा लेना, पेट को पीछे करके श्वास छोड़ते सटा लेना उड्यान बंद है। ठीक है, ये उड्यान बंद सभी बंदों से विशेष हैं, और इस उड्यान बंद का अभ्यास करने से स्वाभाविक रूप से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ये इन्होंने कहा है। एक तो विशेष है सभी बंदों में और मोक्ष देने वाला है। तत्पश्चात जालंधर बंद का वर्णन है। तो जालंधर बंद कुल मिला के ठोड़ी को संकुचित करके वक्ष स्थल पे अर्थात छाती में लगाने को इन्होंने कहा है। कंठ का संकोचन करके ठुड्डी को हृदय पर रखें। जालंधर बंद करने पर 16 आधारों पर का भी बंधन हो जाता है।
उस योगी का 16 आधारों पर नियंत्रण हो जाता है। तो हट प्रतिपद का जो लाभ है वही गहरण में ज्यादा भिन्न नहीं है। इसमें जालंधर नामक श्रेष्ठ मुद्रा मृत्यु के भय को दूर करती है। जालंधर बंध सिद्ध होकर योगियों को सिद्धि प्राप्त करता है देता है और 6 महीने तक जो अभ्यास करता है वह सिद्ध हो जाता है, वह सिद्ध हो जाता है। इसमें कोई इस प्रकार ये जालंधर बंध का वर्णन कर रहे हैं। तत्पश्चात मूल बंध, तो बाएं पैर की एड़ी से मूल स्थान को दबाएं, उसके बाद साधक प्रयत्न पूर्वक नाभि और मेरुदंड को तान कर दाहिने पैर की एड़ी को कुल मिला गया सिद्धासन लगाने के लिए बोल रहे हैं। सिद्धासन लगा के इन्होंने मूल बंध बोला है और फिर इसके बारे में बोल रहे हैं। वृद्धावस्था को दूर करने वाली इस मुद्रा को मूल बंध कहते हैं। जो पुरुष बहु सागर को पार करना चाहता है वह एकांत में गुप्त रूप से इस मुद्रा का अभ्यास करें। इस मुद्रा के अभ्यास से बंधनों का नाश, इस अभ्यास के बंधनों का नाश होता है, प्राणायाम में सिद्धि मिलती है और मौन साधक आलस्य रहित होकर इसकी साधना करें। आलस्य रहित होकर इसकी तो इसके साथ साथ मूलबंध के साथ साथ इन्होंने हालांकि उड्यान का भी वर्णन कहा है, ठीक है, नाभि ग्रंथि और मेरुदंडम इनको इन्होंने इसने खींच संपीड़े तान कर कहा है। तो वो तो सीधी रखने को नाभि ग्रंथि और मेरुदंड दोनों एकदम सीधा रहे, सिद्धासन में बैठे और गुदा द्वार का आकुंचन हो जाए। इस मूलबंध का इन्होंने कहा भव सागर को पार करने वाला करें, गुप्त रूप से रहकर इस मुद्रा का भली अभ्यास करें, ठीक है, बंधनों का नाश करने वाला, प्राणायाम में सिद्धि देने वाला है, ठीक है, आलस्य रूप इसका अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार ये मूल बंध का वर्णन किया है। अब अगला है महाबंध। महाबंध के लिए बोल रहे हैं, महाबंध करने के लिए बाएं पैर की एड़ी से उदा मार्ग और दाहिने पैर की एड़ी से मूल को निरंतर दबाएं। तत्पश्चात गुदा को संकुचन करने को बोला है और जलंधर बंध करके कुंभक करें। ये महाबंध वृद्धावस्था और मृत्यु को दूर करता है। साधक को चाहिए इस बंध के प्रभाव से सभी कामनाओं को पूर्ण करें। तो यहाँ ये महाबंध हट प्रदीपिका के महाबंध से भिन्न है। हट प्रदीपिका में महा मुद्रा के बाद महाबंध का वर्णन है, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा भिन्न है और यहाँ उड्यान नहीं है। जो त्रिबंध है हट प्रतिपिका का उसका त्रिबंध का भी वर्णन नहीं है, यहाँ केवल जालंधर बंध का वर्णन है। मूल बंध और जालंधर का ही वर्णन है, उड्यान बंध का वर्णन नहीं है। इसलिए त्रिबंध से भी भिन्न है और हट प्रतिपिका के महाबंध से भी भिन्न है, इतना ध्यान रखना है। और वृद्धावस्था मृत्यु को दूर करता है और इस बंध के प्रभाव से भी कामनाओं की पूर्ति करता है। अगली मुद्रा महावेद मुद्रा। तो वहां इन्होंने महावेद महामुद्रा और महाबंध महावेद के बिना निष्फल है, यहाँ इन्होंने मूल बंध और महाबंध को महावेद के बिना निष्फल माना है। वहां थोड़ा भिन्न हो गया, यहाँ मूल बंध महाबंध के बिना महावेद के बिना दोनों निष्फल है। यदि महावेद नहीं लगा रहे हो तो मूल बंध और महाबंध निष्फल है। वहां महावेद के लिए कहा गया था महामुद्रा और महाबंध निष्फल है, इतना ध्यान रखना है। साधक को चाहिए कि महाबंध की स्थिति में आकर उद्यान बंध लगाते हुए कुंभक करें। इस स्थिति को योगियों को सिद्धि देने वाला महावेद, तो यहाँ थोड़े महावेद में भिन्नता आ जाती है। वहां त्रिबंध वाली स्थिति इन्होंने इसको या महावेद स्थिति कहा है। जो योगी प्रतिदिन महावेद के साथ महाबंध और मूल बंध करता है श्रेष्ठ योगी है, उसे ना वृद्धावस्था सताती ना मृत्यु का भय। श्रेष्ठ योगियों को चाहिए कि इस महावेद को गुप्त रखें। तो यहाँ महावेद अर्थात त्रिबंध है, इसको थोड़ा मस्तिष्क में रखना है। फिर खेचरी मुद्रा। तो जीवा के नीचे की नाड़ी को काट कर जीवा को सदा चलाएं और वो मक्खन की सहायता से दूहे चलाएं, ठीक है, इन्होंने बोला। जैसे गाय को दूते हैं उसी प्रकार दूहने को बोले। फिर बोलते हैं लोहे के चमटे से उसको खींचे, इस प्रकार नित्य अभ्यास करने से जीव लंबी हो जाएगी इतनी कि वो भूमध्य तक पहुंच जाए, भूमध्य आज्ञ चक्र तक पहुंच जाए। इस स्थिति में वह ऊपर आकाश तक अंदर व्योम रंध्र तक जा सकेगी।
फिर जीवा को धीरे धीरे तालु के मध्य में प्रविष्ट करें और उल्टी की गई जीव तालु के पीछे के छिद्र में प्रविष्ट हो जाती है और दृष्टि भ्रू मध्य में स्थिर हो जाती है, तब खेचरी मुद्रा होती है, तब खेचरी मुद्रा होती है। इस सब का अभ्यास करने से उस साधक को भूख प्यास नहीं लगती है, आलस्य नहीं आता है, रोग नहीं आता है, ना बुढ़ापा आती ना मृत्यु आता है, शरीर दिव्य हो जाता है, ठीक है, उसका शरीर अग्नि से जलता नहीं है, वायु से सूख नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकता, सर्प काट नहीं सकता, शरीर में लावण्य आ जाता है, समाधि स्थिर हो जाती है और जीवा को रस मिलता है, फिर धीरे धीरे अनेकों अनेक रसों का आनंद मिलता है। प्रारंभ में लवण और क्षार, ये ध्यान रखना है, पहले कौन कौन सा रस मिलता है, तो लवण और क्षार, फिर तिक्त और कसेले, उसके बाद क्रमश मक्खन, घृत, दुग्ध, दही, मठा, मधु का, फिर इच्छा और अमृत का रस के समान रस जीवा को अनुभव होते हैं। इस प्रकार ये इन्होंने खेचरी मुद्रा का बड़ा वर्णन किया है। प्रारंभ में लवण क्षार, फिर तिक्त कषाय, फिर नवनीत, घृत, शीर, दधि, तक्र और द्राक्षा रस, इक्षणिकर, द्राक्षा, किशमिश का रस, और फिर इन्होंने पीयूषम का अमृत के समान ये रस उत्पन्न होते हैं जीवा को। खेचरी का लगभग वही वर्णन है, थोड़ा एक्स्ट्रा है। आगे विपरीत करणी मुद्रा, सूर्य का निवास नाभि मूल है और चंद्रमा का तालु के मूल में। सूर्य चंद्रमा से निकलने वाले अमृत को ग्रास लेता है, अर्थात जो तालु मूल से रस निकलता है, जिसको सोम श्राव का है, वो नाभि में आके चल जाता है। इसलिए सूर्य को ऊपर ले जाए, चंद्रमा को नीचे रखें, तो जो रस श्राव सोम श्राव नीचे आके जल रहा था, वो अब नीचे नहीं आएगा, वो तालु में ही रहेगा। इस प्रकार सूर्य को ऊपर ले जाना और तालु को नीचे ही रखना विपरीत करणी मुद्रा कहा है। इसके लिए एकाग्र होकर दोनों हथेलियों के मध्य में भूमि पर सिर रखकर पैर ऊपर करके स्थिर होवे, ये विपरीत करणी मुद्रा मानी जाती है। अब बोल रहे हैं, जो योगी इस मुद्रा को प्रतिदिन सिद्ध कर लेता है, वह सब इस संसार में सिद्ध पुरुष है। बुढ़ापा मृत्यु को नष्ट कर देता है, प्रलय के समय भी वो दुखी नहीं होता है, प्रलय के समय भी वह दुखी नहीं होता है। ये एक थोड़ी भिन्न चीज वहां से बताई है। अब आगे योनि मुद्रा, तो सिद्धासन लगाकर, ठीक है, तो इस योनि मुद्रा को स्मरण करें, सिद्धासन लगाकर कर्ण चक्षु नसो मुखम अंगुष्ठ तर्जनी मध्यम आदि से, सिद्धासन लगाकर अंगूठा प्रथम अंगुली जिसको तर्जनी का है, फिर मध्य अंगुली, अनामिका आदि अंगुलियों से कर्ण चक्षु नसो कान, नेत्र, नासिका और मुख को सिद्ध करें, अर्थात उनकी क्रियाओं को स्थिर करें। काकी प्राणायाम की विधि से प्राण वायु को अंदर लेकर बुद्धिमान साधक हूम हंस मंत्र के साथ क्रमशः षटचक्राणी ध्यायत, क्रमशः छह चक्रों का ध्यान करें, ठीक है, और फिर उस सोई हुई कुंडलिनी को जागृत करें। जीव सहित उस शक्ति को ऊपर उठाकर अपने अधीन करें, स्वयं शक्तिमय होकर शिव के साथ पूर्ण मिलन करें, विविध प्रकार के सुख का निवास करें और परम सुख, शिव और शक्ति के मिलन से पृथ्वी पर ही पूर्ण नित्य आनंद की भावना करें और स्वयं ब्रह्ममय होकर मैं ब्रह्म हूं इसकी भावना करें। देवों के लिए भी दुर्लभ योनि मुद्रा गुप्त रखने योग्य है। सिद्धि लाभ होने पर वह साधक समाधि में ही है, चाहिए तो कुल मिला के योनि मुद्रा जो सन्मुखी मुद्रा है तो इन्होंने बताया है, अंगूठों से कान बंद करना, तत्पश्चात तर्जनी आंखों के ऊपर, मध्यमा आंखों के नीचे और अनामिका से नासिका बंद और कनिष्ठिका से मुख बंद, ये इस प्रकार सन्मुखी मुद्रा है, इसी को इन्होंने योनि मुद्रा, लेकिन इसके साथ इन्होंने शक्तिचालिनी मुद्रा को कहा, या अश्विनी मुद्रा कह सकते हो, शक्तिचालिनी को भी कहा है। उस शक्तिचालिनी से षट चक्र भेदन का इन्होंने विशेष वर्णन किया है, ठीक है, तो योनि मुद्रा में षट चक्र भेदन भी साथ साथ में आ रहा है और ओम हंस मंत्र का जप भी, ओम हंस मंत्र का जप भी, षट चक्र का ध्यान और इस प्रकार की बैठने की स्थिति, तो ये तीन प्रकार से इन्होंने योनि मुद्रा का वर्णन किया है। और इसके अलावा शिव और शक्ति मिलन का, ब्रह्म मैं ब्रह्म ऐसी भावना करने को भी बोला है और कुंडली जागरण का भी वर्णन बोला है। तो ये थोड़ी थोड़ी विशेष है और इसका वर्णन चूंकि वहां नहीं है तो यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर आगे बोल रहे हैं, योनि मुद्रा करने से ब्रह्म हत्या करने वाला इत्यादि पाप, मतलब भयंकर से भयंकर पाप करने वाले, अर्थात वो पाप
जो इसी अंगुली माल बुद्ध के मिलने से बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है, ठीक इसी प्रकार जो योनि मुद्रा का अभ्यास करता है तो वो पापी से पापी पुरुष का भी कल्याण हो जाता है। इसलिए ये व्यंजनात्मक रूप से इन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार की ब्रह्म हत्या करने वाला, गर्भपात कराने वाला, मदिरा पीने वाला, विचार करने वाला, इन पाप के घोर पापों में जो भी है वो सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जो कि समाधि प्राप्त हो जाती है, समाधि में सारे संस्कार कर्म संस्कार नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इन्होंने सब बोला है, बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाधि प्राप्त करा देती है, सर्तकरों का ध्यान हो रहा है, मंत्र जप हो रहा है, इसके साथ बाह्य इंद्रियां सारी बंद है, इंद्रियां सारी नाक कान मुख बंद है, इसलिए इन्होंने इसको महत्वपूर्ण माना है। अब वज्रोली मुद्रा कुंडली प्राण शक्ति को जागृत करने के लिए, दीर्घजीवी होने के लिए दोनों हाथों की हथेली से पृथ्वी पकड़कर दोनों पैर और सिर को ऊपर आकाश में उठाए मुनि लोग इसको वज्रोली मुद्रा। ये वज्रोली हट प्रदीपिका की वज्रोली से भिन्न है, इसमें हथेलियों को जमीन पे रख के पूरे शरीर को ऊपर उठाना है, ठीक है, पैर सीधे रहेंगे एकदम, पहले से दंडासन में बैठना है, पैर दोनों एकदम सीधे और हथेलियां भूमि पर रखकर जंघाओं के पास और हथेलियों के आधार पर शरीर को ऊपर उठाने को ये वज्रोली मुद्रा। तो वो वज्रोली और ये वज्रोली मुद्रा भिन्न है, हट प्रतिपिका की वज्रोली मुद्रा बिल्कुल भिन्न है, घेरण की बिल्कुल भिन्न है। योग की साधना में श्रेष्ठ योगियों की मुक्ति का कारण है, ये योग हित कारक है, योगियों को सिद्धि प्रदान करता है। इस योग के प्रभाव से बिंदु सिद्ध हो जाता है, ठीक है, और बहुत प्रयत्न साध्य बिंदु के सिद्ध होने पर क्या सिद्ध नहीं होता, बिंदु सिद्ध उससे भी हो रहा था, इससे भी हो रहा, लेकिन इसमें भिन्न वर्णन है, ठीक है। भोगों में पड़ा व्यक्ति भी इस मुद्रा का अभ्यास करे तो संपूर्ण सिद्धियां अर्थात वो भोगों से मुक्त हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी वृत्ति खत्म हो जाएगी। अब आगे शक्तिचारिणी मुद्रा तो बोल रहे, मानव शरीर में सर्वश्रेष्ठ देवता आत्मा की प्रधान शक्ति कुंडली है, आत्मशक्ति, तो कुंडली को यहाँ आत्मशक्ति कहा गया, ये ध्यान रखना है। तो मानव शरीर में विद्यमान सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है, कुंडली है, कुंडलिनी है, जो आत्मशक्ति है, स्वयं की शक्ति है। वह कुंडली सांप के समान साढ़े तीन वलयों से, साढ़े तीन घेरों से युक्त है, सोई हुई है, और वह जब तक सोई हुई है, जब तक उसका ज्ञान नहीं होता तब तक ये सोई रहती है। जिस प्रकार कुंची से द्वार खोलते हैं, कपाट खोलते हैं, ताला खोलते हैं, ठीक उसी प्रकार इसको खोलें, ब्रह्म द्वार को खोलें, इस कुंडली को खोलने को बोला है। तो कैसे बोलें, तो बोलते हैं कि साधक वस्त्र के द्वारा नाभि को वस्त्र से लपेट कर, ठीक है, गुप्त घर में बैठकर शक्ति चालन का अभ्यास करें। तो वितस्तित वस्त्र को इन्होंने लपेटने को बोला है, वस्त्र को लपेटने, जिसको वेष्टारंबर कहा है, ये ध्यान रखना है। इस वस्त्र लपेटने का हमने वहां भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ वस्त्र लपेटने, इस वस्त्र का नाम वेष्णा अंबर कहा है, क्या कहा है, वेष्णा अंबर। तो कैसा होना चाहिए वस्त्र, तो बोल रहे हैं एक विता नाप का चार अंगुल चौड़ाई, कोई 9 इंच, ठीक है, वितस्ता 9 इंच अर्थात 12 अंगुल, तो वितस्त एक विता नाप का चार अंगुल चौड़ाई में कोमल श्वेत वस्त्र लपेटने का लक्षण, तो ये वेष्णाम्बर होते, ये उस कपड़े का लक्षण है। तो ये हम हट प्रतिपिका में भी पढ़ चुके हैं, तो चार अंगुल जिसकी चौड़ाई हो या क्षेत्रफल हो और 12 अंगुल लंबाई, ऐसे कोमल वस्त्र को लपेटने को इन्होंने नाभि के पास बोला है। फिर आगे बोलता है, भस्म को संपूर्ण शरीर में लेप कर सिद्धासन लगाए और नासिका के दोनों छिद्रों से प्राण वायु को अंदर लेकर अपान वायु को शुक्त करें और अश्विनी मुद्रा के द्वारा मलद्वार इत्यादि का संकोचन और प्रसारण करें, और जब तक प्राण अपान वायु संयुक्त रूप से सुषुम्ना नाड़ी में बलपूर्वक प्रवेश ना करें तब तक अभ्यास करते रहे, तब तक अभ्यास करते हैं, मतलब प्राण अपान के मिलन तक इन्होंने अश्विनी मुद्रा के अभ्यास को करने को कहा है। इस प्रकार कर लेने से, ये अभ्यास निरंतर करने से इन्होंने बोला है, तब प्राणायाम द्वारा कुंभक में स्थिर हो गई प्राण शक्ति कुंडली ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। प्राण जो कि स्थिर कर दिए, फिर निरंतर अश्विनी मुद्रा कर रहे हैं तो सुषुम्ना में प्राण संचरित होने लगेंगे, ऐसा ही बता रहे हैं, ठीक है। तो प्राण शक्ति कुंडली ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, कुंडली को ऊर्ध्वगामी किए बिना योनि मुद्रा सिद्ध नहीं होती,
योनि मुद्रा जो षट चक्र भेदन कर रहे थे, बोले जब तक कुंडली नहीं होगी तब तक षट चक्र भेदन संभव ही नहीं है। तो जब तक कुंडली ऊर्ध्वगामी नहीं, प्राणों का सुषुम्ना में संचार नहीं होगा, तब तक योनि मुद्रा सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए पहले इसको जागृत करके ऊर्ध्वगामी करें, उसके बाद योनि मुद्रा का अभ्यास करें तो षट चक्र भेदन हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहे हैं, हे चंड कपाली, इस प्रकार मैंने प्रयत्न पूर्व गुप्त रखने योग्य प्राण शक्ति कुंडली के जागरण की विधि कहा है। प्रतिदिन प्रयत्न पुरुष का अभ्यास करना, प्रतिदिन अभ्यास करना, ठीक है। और अब इसका लाभ बता रहे हैं, तो अत्यंत गोपनीय मुद्रा बुढ़ापा और मृत्यु को नष्ट करने वाली है, सिद्धि चाहने वाले योगियों को नित्य अभ्यास करना चाहिए क्योंकि सिद्धि देती है। ठीक है, और जो इसका नित्य अभ्यास करता है उसके हाथ में इसकी सिद्धि स्थित है और सभी रोगों का विनाश करती है। तो ये कुंडलिनी का वर्णन था। कुल मिलाकर कुंडलिनी किससे? शक्तिचालिनी मुद्रा। तो शक्तिचालिनी मुद्रा में अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करने को सिद्धासन में बैठ के कहा है, लेकिन इसके साथ उन्होंने बोला है पहले इसको करें तभी ये सिद्ध होगी, प्राणों का संचार सुषुम्ना में होगा तभी योनि मुद्रा सिद्ध होगी, क्योंकि वहां षट चक्रों का भेदन है, यहाँ कुंडलिनी अर्थात प्राणों का संचार सुषुम्ना में हो रहा है। प्राण सुषुम्ना में संचार होगा तभी कर्मश भेदन हो पाएगा चक्रों का, बस इन्होंने बोला। अब आगे तड़ागी मुद्रा। तो तड़ागी मुद्रा करने के लिए पेट को पीछे की ओर इस प्रकार ताने कि पेट तालाब की आकृति का बन जाए, अत्यंत श्रेष्ठ मुद्रा है। तो कुल मिलाकर जो पश्चिम उत्तानासन में बैठते हैं, पश्चिम उत्तानासन में बैठकर तालाब की आकृति का, उद्यान बंद जो लगाते हैं लगभग उसी प्रकार तालाब की आकृति का करें। ठीक है, तालाब जैसा होता है या तो गड्ढा, मूलतः तालाब में क्या होता है, गड्ढा होता है, पेट को गड्ढे की। तो पश्चिम उत्तानासन में बैठकर उद्यान बंद लगाने को इन्होंने तड़ागी मुद्रा कहा है। अत्यंत श्रेष्ठ मुद्रा है, वृद्धावस्था और मृत्यु को नष्ट करती है। तालाब एक गड्ढे की तरह होता है, तो पेट उद्यान बंद में ही गड्ढे की तरह होता है। तो यहाँ पश्चिम उत्तानासन में बैठना है, वहां सामान्य पद्मासन लगाकर उद्यान बंद था, यहाँ पश्चिम उत्तानासन में उद्यान बंद को उन्होंने तड़ागी मुद्रा कहा है। तो पेट पीछे की ओर इतना ताने की आकृति का बन जाए। ठीक है, अब मांडू की मुद्रा। मुख को बंद करके जीवा के मूल को चलाएं, धीरे धीरे अमृत पान करें, जीव के मूल को, जीव को भीतर चलाएं, जीव को भीतर चलाएं। खेचरी से थोड़ी भिन्न है, नभो मुद्रा से थोड़ी भिन्न है, वहां स्थिर करते हैं, बंद करते हैं, यहाँ जीव को चलाने को बोला है। ठीक है, जीवा मूलम प्रचलाएं, जीवा के मूल को चलाएं, मुख को बंद करके जीवा के, तो इससे धीरे धीरे अमृत पान करें। इसे मांडू की मुद्रा कहते हैं। जो प्रतिदिन मांडू की मुद्रा का अभ्यास करता है, प्रीतम प्रीतम झुर्रियां बाल श्वेत होना इत्यादि नहीं होते हैं और यौवन सदा जवानी सदा बनी रहती है, बाल नहीं पकते हैं, केशस्तु ना उसके बाल नहीं पकते हैं, बाल गिरते भी नहीं है, बाल पकते भी नहीं है, इस मुद्रा का, मांडू की मुद्रा का लाभ बताया। अब सांभवी मुद्रा। भवों को देखकर आत्म तत्व को मन से देखें, सभी साधनाओं में मुक्त रही गई ये सांभवी मुद्रा है। तो भवों को देखकर आत्म तत्व को, जो भ्रूमध्य दृष्टि है, इस दृष्टि को देखकर ये स्थूल हो गई। अब इसके भीतर देखना, जहां भ्रूमध्य है ये भ्रूमध्य है, यहाँ पर आत्म तत्व को देखते, तो यहाँ ज्योति स्वरूप का जो आत्म तत्व है उसको देखना इन्होंने सांभवी मुद्रा कहा है। स्थूल रूप से भ्रूमध्य देखना भ्रूमध्य है, मुद्रा है, भ्रूमध्य कह सकते हो, लेकिन इस जगह पर आत्म तत्व को देखना, सूक्ष्म रूप से ज्योति स्वरूप में जो आत्म तत्व है उसको देखना इन्होंने क्या कहा है, सांभवी मुद्रा। क्योंकि तृतीय नेत्र का स्थान है, शंभु से सांभवी हुआ है, तृतीय नेत्र के ठीक वैसा ही वहां आत्म तत्व को देखना, उसको देखना इन्होंने सांभवी मुद्रा कहा है। अब सांभवी मुद्रा के बारे में आगे बता रहे हैं। जो सांभवी मुद्रा को जानता है वह आदिनाथ शिव ही है, स्वयं विष्णु ही है और सृष्टि रचने का कारण स्वयं ब्रह्मा ही है। हे महेश्वर शिव, आपने सर्वता सत्य कहा है, जो सांभवी मुद्रा को जानने वाला वही ब्रह्मा है, अन्यथा ब्रह्मा नहीं है। अर्थात जो आत्म तत्व को जानने वाला है वही ब्रह्मा विष्णु और महेश है, क्योंकि ये सांभवी मुद्रा, क्योंकि आत्म तत्व है, आत्मा ब्रह्मा विष्णु महेश है, इन तत्वों से ही है, इसलिए इन्होंने इनकी यहाँ तुलना की है, इन्होंने यहाँ तुलना की है। अब
बोल रहे हैं मैंने सांभी मुद्रा बता दी है, अब पांच धारणाओं को सुनो। ठीक है, पांच धारणाओं को सुनो। धारणाओं को प्राप्त करके भूमंडल में क्या सिद्ध नहीं होता है, अर्थात भूमंडल पर सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है धारणाओं को सिद्ध करके, धारणाओं को सिद्ध करके। इस मनुष्य शरीर से स्वर्ग में आना जाना, मन के समान तीव्र गति, आकाश में विचरण इत्यादि योग्यता धारणाओं से मिल जाती है, बिना धारणाओं से नहीं। तो मनुष्य शरीर स्वर्ग में गमनागमन, स्वर्ग में आना जाना, मनोगति खेचर, तो मन के समान तीव्र गति, खेचर यानी आकाश में गति इत्यादि मिलती है, धारणाओं के द्वारा मिलती है। अब पांच धारणाओं का वर्णन है, पांच धारणाओं का वर्णन स्मरण रखना है, ये चूंकि षट चक्रों में भी काम आएगा धारणाओं का नाम इत्यादि काफी, तो ये हट प्रदीप का हट योग में काफी महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है, तो इसका नाम स्मरण रहना चाहिए, स्मरण रहना चाहिए। पहली तत्वों की धारणाएं ही पंच धारणाएं हैं। ठीक है, पांच तत्वों की धारणाएं ही, तो पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांच तत्वों पर ही। तो पृथ्वी पर पृथ्वी धारणा, जल पे वारुणी धारणा या अम्बसी धारणा कहा इसको, ठीक है, अम्ब जल को अम्ब भी कहा गया है, अम्बसी पृथ्वी, अग्नि वायु और आकाशी, और आकाशी। तो इन पांच तत्वों का कारण ये पांच, इन पांच तत्वों की धारणा ही पंच धारणा कहलाती है। मूलतः ये धारणा पंच तत्व की है, अन्य हठयोगी ग्रंथों में भी आएगा। तो पृथ्वी धारणा मूलतः ये मुद्रा है, पांचों धारणा ही मूलतः क्या है, मुद्रा के अंतर्गत ही वर्णन है। तो बोल रहे हैं इसके भिन्न भिन्न रंग वगैरह, ये सारणी आप लोग बना लेना, ये सारणी आप लोग बना लेना। तो जिसका अंत प्रदेश हरिताल अर्थात पीले रंग से रंगा हुआ, हरिताल रंग, ठीक है, जिसका बीज अक्षर लकार है, बीज अक्षर क्या है, लकार नितम, और जो पृथ्वी तत्व है, जो स्वयं क्या है, पृथ्वी तत्व भौमम, चित्त भौम, मूलता रंग तो हरताल का रंग, ठीक है, पीले रंग के जैसा, बीज अक्षर उसका लम है, यही बीज मंत्र सारे के सारे स्मरण रखने हैं षट चक्र में। तो लम वम रम, तो ये स्मरण रखना है, लम वम रम यम हम, इन पांच के बीज मंत्र है षट चक्रों में, इन पांच के आगे फिर बीज मंत्र है ही नहीं, आगे बीज मंत्र है ही नहीं। आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, इन दोनों का कोई बीज मंत्र नहीं है, वो मानते हैं लोग, लेकिन हठयोगी ग्रंथों में ये बीज मंत्र इन पांचों चक्रों के ही, पांच तत्वों के कारण लम वम रम यम हम, तो ये चक्र भी इसके साथ साथ हो जाएगी, इसको ध्यान रखना। ठीक है, पृथ्वी तत्व है, ठीक है, बीज का अक्षर लम है, रंग हरताल के जैसा है, वेद जिनके हाथ है, कमल पर विराजमान ब्रह्मा के साथ चित हृदय, तो हृदय में ध्यान किसने, कमलासन पर कमल में विराजमान ब्रह्मा का ध्यान। ठीक है, पांच घटी अर्थात दो घंटे तक, एक घटी 24 मिनट की होती है, पांच घटी तक दो घंटे तक अभ्यास करने को बोला है, अर्थात दो घंटे तक हृदय में ब्रह्मा का ध्यान करें, ब्रह्मा का हरताल के समान, ठीक है, लंबीज मंत्र इस प्रकार यहाँ ध्यान करें। इस प्रकार ये धारणा स्थिरता देती है, पृथ्वी तत्व पर विजय प्रदान करने वाली ये धारणा नीचे स्थित मूलाधार चक्र में पृथ्वी धारणा को करें, अब हृदय में स्थापित करें, अब बोले इसको मूलाधार चक्र में धारणा करें। जो इस पृथ्वी धारणा को नित्य करता है वह स्वयं मृत्यु को जीत लेता है, सिद्ध होकर भूमि विचरती भूचर को सिद्ध करता है, भूमि पर विचरण करता है, तो भूमि को जीत लेता है तो सिद्ध करके भूमि पर विचरण करने वाला हो जाता है। तो इसका संबंध भी मूलाधार से हो गया,
मूलतः पृथ्वी तत्व है, ब्रह्मा का ध्यान करने का इसमें बताया गया, ब्रह्मा का ध्यान करने का इसमें बताया गया। दूसरी मुद्रा जल वाली जो मुद्रा है, आम्बसी धारणा, आम्बसी धारणा। तो आम्बसी धारणा के लिए बोल रहे हैं जल तत्व का स्थान स्वादिष्ठान चक्र, ठीक है, कहां पर है स्वादिष्ठान, पहले का पृथ्वी तत्व का मूलाधार, श्वेत वर्ण, शंख चंद्रमा के समान, कुंद के फूल के समान, पनीर के समान, शुभ श्वेत रंग इसका, तमय वकार बीजाक्षर वम, बीज अक्षर क्या, वकार वम, ठीक है। और इसके देवता विष्णु, उसके देवता ब्रह्मा, इसके देवता विष्णु, सर्वदा अधिष्ठात्र देवता विष्णु, जिसमें चित्त के साथ साथ प्राणों को स्थिर करके 5 घंटे पर्यंत, 2 घंटे, 5 घंटे नहीं, 2 घंटे तक इस धारणा को करें। इस धारणा को करने वाले के अत्यंत कष्टदायी ताप पाप दुख सब के सब नष्ट हो जाते हैं। ये जल तत्व की धारणा नामक मुद्रा है। जल में भी डूब नहीं सकता, उससे मृत्यु नहीं हो सकती। यह विशिष्ट मुद्रा गुप्त रखने योग्य है, मैं यथार्थ सत्य बता रहा हूं, ऐसा महर्षि गिरंड कह रहे हैं। योगी पांचों धारणाओं में पांचों तत्व है, उस तत्व से संबंधित योगी को हानि नहीं पहुंचेगी, क्षति नहीं पहुंचेगी। युक्त लाल रुद्र से अधिष्ठित सिद्धि प्रदान करने वाला अग्नि तत्व है, वहां पर प्राणों को स्थिर करके 2 घंटे तक वैश्वानरी धारणा करें। तो इस अग्नि को चूंकि वैश्वानर कहा है, इसलिए अग्नि धारणा को वैश्वानरी भी कहते हैं, अग्नि को वैश्वानरी भी कहते हैं। या ब्रह्मा या विष्णु या रुद्र, या रुद्र देवता, तो ये देवता भी सुन रखे। ये हो जाएगा तो षट चक्र सरल बन जाएगा, षट चक्र सरल बन जाएगा। ये वैश्वानरी धारणा, अग्नि धारणा मृत्यु के महान भय को हर लेने वाली है। इस मुद्रा की कृपा से फलस्वरूप साधक अग्नि में गिर जाए तो भी जीवित रहता है, अग्नि उसको क्षति नहीं पहुंचा सकती, अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब चौथी धारणा वायव्य धारणा, वायु की धारणा। काजल के चूर्ण के समूह के समान, धुएं के जैसा धूम्र वर्ण कई, ये जो धारणा है वायव्य धारणा है। बीज मंत्र यम, बीज मंत्र क्या है यम, जहां ईश्वर अधिष्ठात्र देव है, इसके देवता ईश्वर है, रुद्र के बाद चौथे नंबर देवता इसके ईश्वर है। और वहां पर 5 घटी अर्थात 2 घंटे तक धारणा करें, ये वायव्य धारणा है। इससे साधक आकाश गमन करने के सामर्थ्य को प्राप्त कर लेता है। ये मुद्रा जरा मृत्यु, बुढ़ापे और मृत्यु को नष्ट करने वाली है, आकाश में विचरण करने की शक्ति देती है। और इसके प्रभाव से साधक वायु से मृत्यु को, प्राण से मृत्यु कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी, सतीश नहीं पहुंचेगी। दुष्ट व्यक्ति को, भक्तिहीन व्यक्ति को, जिस किसी को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए, बोलते हैं शट और दुष्ट भक्तिहीन को इसका उपदेश नहीं करेगी, उसका वो दुरुपयोग करेगा। अब अंतिम धारणा आकाशी धारणा, समुद्र में विद्यमान परम शुद्ध जल की आकृति का, जो पर अर्थात सबसे सूक्ष्म आकाश तत्व है और उसके देव सदाशिव है, तो इसके देव सदाशिव है, पांचों के देव स्मरण रखने हैं, तो ईश्वर और सदाशिव। यहां समुद्र में विद्यमान शुद्ध जल के समान वर्ण है, ठीक है। और बीज मंत्र हम है, बीज मंत्र क्या है हम,
यहाँ पर बीज मंत्र में करके कुल मिला के आकाश तक कुछ जो नाभि तक आ गया, नाभि से या हृदय इन्होंने किया नहीं है, लेकिन प्राणों को वहां ले जाकर 5 घंटे तक धारणा करें आकाश तत्व की, तो ये मोक्ष को द्वार खोलने वाली है। आकाशी धारणा को भी साधक नित्य करें, साधक नित्य करें। इस षट चक्रों की स्थिति धीरे धीरे ऊपर आई तो हृदय, हृदय से अब चूंकि कंठ जिसका वर्णन नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है ये आकाशी धारणा मुद्रा को जो जानता है वह योगवित है, वह योग को जानता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, नहीं पड़ता। इस प्रकार ये पंच धारणाओं का वर्णन है, पंच धारणाओं का वर्णन है। अब आगे मल द्वार को, गुदा के द्वार को बार बार आकुंचन और प्रसारण, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन करें, सिकोड़े और फैलाएं। ये प्राण शक्ति कुंडली को जागृत करने वाली विशिष्ट अश्विनी मुद्रा है, ये बल और पुष्टि देने वाली है और अकाल मृत्यु को दूर करने वाली है, अकाल मृत्यु को दूर करने वाली है। अगली मुद्रा पाशिनी मुद्रा, पाशिनी मुद्रा दृढ़ बंध वाली पाशिनी मुद्रा के लिए जिस प्रकार कर्ण पीड़ासन करते हैं, उस कर्ण पीड़ासन की स्थिति में जहाँ हाथ कान या फिर पीछे लगाते हैं वहां जंघाओं के हाथ लपेट लेने की मुद्रा, ये मुद्रा कुल मिला के पाशिनी है। दृढ़ बंध वाली पाशिनी मुद्रा, गर्दन के पीछे पैरों को रखें, वहां कुंडलिनी प्राण शक्ति को जागृत करने वाली श्रेष्ठ पाशिनी मुद्रा है। पाशिनी मुद्रा बल और पुष्टि देने वाली है, जो सिद्धि चाहते हैं इसका, तो कर्ण पीड़ासन में कुल मिला के जाकर जंघाओं को पकड़ लेना है दोनों हाथों से, ठीक है। इस प्रकार की मुद्रा पाशिनी मुद्रा ये भी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है। तत्पश्चात काकी मुद्रा, कोवे की चोंच के समान मुख बनाकर उसे धीरे धीरे वायु का पान करें, सब रोगों को नष्ट करने वाली ये काकी मुद्रा है, ये गुप्त रखी गई है। हट प्रदीपिका में चूंकि शीतली कुंभक उसी के समान इन्होंने इसको काकी मुद्रा को कहा है। यहाँ श्वास छोड़ने को नहीं बोला, इन्होंने श्वास भरने को ही बोला है। कोवे की चोंच के सम्मुख बनाकर धीरे धीरे वायु का पान करें, तो ऐसा करने से सब रोगों को नष्ट करने वाली काकी मुद्रा होती है। काकी मुद्रा सभी परंपराओं में गुप्त रखी, इसके प्रभाव से ही साधक कुएं की भांति रोग रहित, कुआ बहुत फुर्तीला होता है, रोग रहित कुएं के समान रोग रहित प्राप्त होता है। अब आगे मातंगिनी मुद्रा, मतंग हाथी को बोलते हैं, मतंग हाथी को बोलते हैं, तो हाथी के समान इसलिए मातंगिनी मुद्रा। कंठ तक गहरे जल में खड़े होकर, गले तक गहरे जल में खड़े होकर दोनों नासिका छिद्रों से जल को अंदर लें और फिर नासिका छिद्रों से निकालें, ऐसा बार बार करें। ये मातंगिनी मुद्रा जरा मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु को नष्ट करती है। तो दो कपाल भांति करवा रही है, व्युत्क्रम और शीतक्रम, व्युत्क्रम कपाल भांति और शीतक्रम कपाल भांति एक साथ करने को इन्होंने मुद्रा कहते हैं, और ये बुढ़ापा और मृत्यु को नष्ट करने वाली कहा। फिर बोलते हैं एकांत जन शून्य स्थान में मातंगी को करें, इसके स्वरूप हाथी के समान साधक बल बलशाली हो जाता है, चूंकि मतंग हाथी को